सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। सो गाइस आज बात करने वाला हूँ इलाइट पास 17 के बारे में, सीजन 17 के बारे में। इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस हुआ सीजन 17 के द्वारा सीजन 16 को दे दिया गया है, ठीक है। तो ये 16 इलाइट पास था, मैंने जितना इनके मतलब मैंने जितना सर्च किया था उसके बाद ये सीजन 16 का ही था, लेकिन हाँ अभी चेंज करके 17 में डाल दिया और 16 का फ्री में दे दिया, ठीक है। तो शुरू करने से पहले बता दो, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, कोई भी नया वीडियो आता है आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इस इलाइट पास का। तो इलाइट पास आपको सीजन 17 में मिलने वाला है, ये जो मैंने 16 में बता दिया था ऑलरेडी, मेरे पास वीडियो है बना के रख दिया मैंने, वो बहुत पुराना हो चुका है, तो फिर से मैंने ये रिव्यू देने के लिए सोच लिया। तो अभी ये रिव्यू देने वाला हूँ पूरा इलाइट पास का, तो ध्यान से देख लेना वीडियो को और पूरा लास्ट तक देख लेना, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। तो बात कर लूँ, ये गन का स्किन मिलने वाला है परमानेंट आपको, अच्छा खासा गन है, जो इसका नाम मुझे मैं भूल गया, AN-94 जो गन है वो आपको मिल जाएगा परमानेंट गन स्किन। और यहाँ पे पैराशूट भी देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा, ये निंजा से रिलेटेड है, मैंने पहले बता दिया था। लेकिन हाँ मैं पहले मैं ये बोलने वाला था कि ये मतलब जो सीजन 17 इलाइट पास और 16 इलाइट पास में तो अदला बदली किया गया है, ठीक है। 17 की जगह में 16 दे दिया और 16 की जगह में 17 दे दिया, ठीक है। इसलिए मैंने जब बोला था तो दोनों मैंने एक साथ रिव्यू कर दिया था, ठीक है। तो ये रहा बैनर, तो बैनर भी बहुत ही अच्छा है। और गाइस वीडियो लेट होने के लिए सॉरी यार, बट अभी आ गया तो इन्जॉय कर लो और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल का ड्रेस अभी यहाँ पे निंजा से रिलेटेड है पूरा एकदम, निंजा जो चाइनीज निंजा जो बोल सकते हैं, हाँ वही है। तो यार वो ड्रेस तो फीमेल का ड्रेस है एंड एकदम मस्त है यार, दास हुए। मैंने जैसे पहले बोला था कि जो मैं, और आप अगर देख लो तो मेरे चैनल में मैंने जब भी कोई नया इलाइट पास सीज़न आया मैं तुरंत रिव्यू दे दिया, सबसे पहले ही दिया है। एंड अगर मेरा कोई गलती हुआ आगे पीछे तो इसका मतलब मैंने सही डिटेल्स दिया है, बट एक्सचेंज किया गया है कि फ्री में इलाइट पास दे दिया वो सीज़न 16 का, वो 17 में डाल दिया, ठीक है। तो अदला बदली किया गया है, नहीं तो मैंने जो बोला था वही आने वाला था, ये 16 में आने वाला था, इसको 17 में डाल दिया, ठीक है। तो ये इलाइट पास अच्छा दिख रहा है, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो ये आप ले सकते हो, क्योंकि अभी इसमें 50 में ही शायद 50 बेचेस में ये क्या फीमेल कॉस्ट्यूम दे रहा है, ठीक है। तो ये तो सही बात है, एंड देखा जाए तो पूरा अच्छा से अच्छा ड्रेस है। एंड P90 का आपको एक परमानेंट स्किन मिल जाएगा, P90 का स्किन मिल जाएगा, जो हमारे पास नहीं था, कोई स्किन नहीं था, अभी ये परमानेंट स्किन मिल जाएगा। एंड अभी नया स्किन आया है रेट ऑफ फायर, डबल रेट ऑफ फायर का आया है, तो ये स्किन और ये स्किन में वो रेट ऑफ फायर ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ आपके पास कोई परमानेंट स्किन नहीं था तो ये बोल के ये आपको P90 का स्किन नहीं था तो P90 का स्किन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैकपैक, ठीक है। तो बैकपैक लेवल 3 का एकदम धासू है, निंजा जो बैग में रखते हैं निंजा तलवार वलवार तो वो सही है, तो मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो में सब कुछ है, दूसरा वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा वैसा है, लेकिन हाँ वो वीडियो में अगर सीजन 16 बता दिया था मैंने, क्योंकि सीजन 16 में ही था लेकिन चेंज कर दे गिरना वाले, मैं कुछ कर नहीं सकता यार। और आप लोग मुझे गलत बोल रहे थे, बहुत लोग कमेंट में बोलते थे फेक नहीं है, ठीक है। तो यही ये इलाइट पास 17 में आने वाला है, ठीक है। मैंने क्यों रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता हो चुका है, मैंने एक बार बोल दिया तो फिर बोलूँगा तो बोलोगे यार पका रहा है वही वीडियो फिर से दिखा रहा है, तो इसीलिए मैं मतलब फिर से रिव्यू नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी बहुत लोग बोल रहे हैं इसलिए मैंने बोला कि चलो सीजन 17 का भी रिव्यू कर ही देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा टी शर्ट वगैरह जो आप लोग बिना इलाइट पास लेके भी कर सकते हो, तो इस बार 17 का इलाइट पास मत सोचना कि फ्री मिल जाएगा, ठीक है, पैसा देना पड़ेगा, सॉरी डायमंड खरीदना पड़ेगा। और यार आप बैनर, तो बैनर भी अच्छा है एकदम, रेड एंड वाइट ब्लैक सब कुछ मिला के एकदम धासू हो गया। और निंजा जैसे इसका ये देखो, निंजा जैसा तलवार जैसे स्केटबोर्ड से निकल रहा है, तलवार का शेडो जैसा निकल रहा है, ठीक है। एंड हमारा जो नया कैरेक्टर का एबिलिटीज है वो एबिलिटी भी मिल जाएगा, एंड एयर ड्रॉप और ये क्या कहते हैं गोल्ड वाउचर भी मिल जाएगा। और रही बात इलाइट पास, अच्छा है, निंजा से रिलेटेड है तो अच्छा ही है। एंड अगर आप लोगों को चाहिए तो अभी से डायमंड कलेक्ट करके रख दो, वीकली मेंबरशिप ले लो, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो खरीद लेना। एंड यहाँ पे बैनर देख सकते हो, तो बैनर भी अच्छा है। और रही बात हमारा गोल्ड डायमंड वाउचर भी है यहाँ पे, एंड 100% गोल्ड डिस्काउंट भी है। और रही बात हमारा बैकपैक का, ठीक है, सॉरी लूट बॉक्स का, ठीक है। तो लूट बॉक्स एक कैंडल लाइट की तरह है, जहाँ पे मतलब मरने के बाद
आपका जो लूट बॉक्स होगा वो ये कैंडल लाइट जो होता है ना, निंजा लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं चाइनीज़, मतलब जो खाने में यूज़ किया, खाने के टेबल में रखते हैं, तो वो निंजा लाइट ही, मतलब मैं बोलूँगा डिनर लाइट जैसे ही है, तो वो आपको लूट बॉक्स में मिले, ये लूट बॉक्स है ठीक है, लूट बॉक्स डिनर लाइट की तरह दिखेगा, तो एक अच्छा मतलब देखने में मज़ा आ रहा है ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में और भी बता देना कि यार वीडियो थोड़ा लेट है, क्योंकि मैं देखो 2-3 दिनों से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं कुछ वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ ठीक है। और स्केटबोर्ड भी एकदम धासु स्केटबोर्ड है यार, वो एक स्केटबोर्ड अगर आपने देखा होगा सीज़न 1 में जो स्केटबोर्ड हो कुछ इस तरह से मैच हो रहा है ठीक है। और इमोट ये निंजा तो नहीं दिया, इमोट में ये क्या कहते हैं भरतनाट्यम का जो डांस होता है वो दे दिया ठीक है। उस दिन मैं बोल नहीं पा रहा था, भरतनाट्यम भरतनाट्यम बोल रहा था, तो ये वो भरतनाट्यम का डांस वाला इमोट दे दिया ठीक है। तो ये डांस इमोट आपको मिलेगा और एक स्टोन मिल जाएगा गोल्ड स्टोन। और यहाँ पे पीछे जाएंगे तो अभी हम दिखा लेते हैं इसकी तरह क्या, चलो ये बैकपैक जो है अभी ये बैकपैक आपको मिल जाएगा, तो 2 बैकपैक मिल रहा है ठीक है। तो इस बार आपको वो बैकपैक जो लास्ट में मिलता है ऐसा नहीं मिलेगा ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है, तो अभी आपको ये बैकपैक वैसा ही मिल जाएगा ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बैकपैक का जो कलर है रेड एंड ब्लैक और वाइट भी है, और पेट फूड मिल जाएगा, और स्किन ये गन स्किन का सॉरी एबिलिटी भी मिल जाएगा, एंड ड्रेस मिल जाएगा ऊपर। एंड रही बात हमारा मेन कैरेक्टर जो मेल का ड्रेस है जो अभी आपको हम सब लोग यूज़ करने वाले हैं मेल का ड्रेस, तो मेल का ड्रेस अभी जो ऊपर वाला है वो तो आपको सिंपली मिल जाएगा ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप ब्रेसलेट लगाएगा तो दिख जाएगा शायद, तो ये रहा हमारा मेन ड्रेस जो अभी यहाँ पे हमें मिलने वाला है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एकदम देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है, एंड अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो खरीद सकते हो अभी से, आप डायमंड खरीद के रख देना, और जब 400 डायमंड हो जाएगा तो अभी 500 हो गया, एलाइट पास क्या बोले अभी 300 पहले 400 था अभी 500 हो गया, पता नहीं 500 होगा भी या और ज़्यादा होगा पता नहीं। तो ये रहा इलाइट पास का पूरा बंडल जो अभी बंडल मैं दिखा रहा हूँ, तो ये बंडल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है इलाइट पास 17 का ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड यहाँ पर रही बात और कुछ और देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो मास्क वगैरह है, इसका ड्रेस का जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही अच्छा बनाया है गरीना वालों ने, मुझे भी अच्छा लगा। एंड आप लोगों को अच्छा लगा तो यार आप खरीद सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, एंड निंजा रिलेटेड से है, अगर आपको अच्छा लगा तो यार आप ज़रूर बाय करना। एंड मेरे हिसाब से ये अच्छा ही एक ड्रेस है, एंड इस बार का 17 का भी अच्छा ही होने वाला है, तो इसका अभी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया, अगर इसमें आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वो भी वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने 17 की जगह 16 बोल दिया था ठीक है, लेकिन हाँ मेरा बोलना सही था, लेकिन हाँ उसमें चेंज कर दिया, क्या बोलूँ अब ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक करो, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और ज़रूर बेल आइकन दबा के रखना, अलर्ट पे रखना, कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आजकल नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है यूट्यूब, तो यार मेरा व्यूज़ भी नहीं आ रहा है ठीक है। तो यार मैं मिलूंगा एक नया वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके, आल्सो नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। ना गली से ना मोहल्ले से मैं निकला हूँ सड़क से, मामा की दादागिरी ऊपर भड़क के हम पे फिर भी छोड़ा ना दौड़ा रुला, क्यों क्यों पाला पड़ा तेरा सड़क से भटके जो लेते झड़प पैदल हटता वटता ऊपर से नीचे से पीछे से देखे तू बहुत गलत किया तूने। हाँ थार, भो थार, क्या?